हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शिल्पी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में स्मार्ट होम ट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी न्यूट्रिशियस प्रोटीन से भरी हुई एक हेल्दी बट सिंपल रेसिपी दैट्स कॉल्ड पनीर भुर्जी। सो पनीर भुर्जी रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है, बट इस रेसिपी में थोड़ा सा टाइम लग गया था। जो मैंने प्रिपरेशन पहले से की थी, जिसके लिए मैंने पनीर होममेड पनीर यूज़ किया। लाइक मैंने 1 लीटर दूध को फाड़ के उसका छेना तैयार किया है। उसमें मैंने फाड़ने के लिए थोड़ा सा 1 टेबल स्पून विनेगर का यूज़ किया था। जनरली मैं भी पनीर मार्केट का ही यूज़ करती हूँ, बट कोविड-19 कोरोना वायरस आप सब जानते हैं इतना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोग पनीर बाहर से लेना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसे घर में ही ट्राई किया जाए। और उसके साथ हमने कुछ हेल्दी वेजिटेबल्स यूज़ करी हैं पनीर भुर्जी में, एंड मेक अ पनीर भुर्जी टेस्टी एंड कलरफुल ऑल्सो। सो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो के एंड में। और कोई भी क्वेरी सजेशन हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और साथ ही ये भी बताइएगा कि और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द रेसिपी। से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते। सो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं। ये है मेरा पनीर, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि छेने से मैंने बनाया है, देख सकते हैं ना, बिल्कुल है ये स्टफ पनीर है, जिसके मैं क्यूब्स भी कट कर सकती हूँ, जो मैं आपको भी कट करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च, एक बड़े साइज़ का मैंने अनियन चॉप किया है, ये बड़े साइज़ का एक टमाटर चॉप्ड है, थोड़ा सा मैंने ग्रीन चिली लिया है इट्स एज़ पर ए चॉइस, थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर लिया है, एंड ये कुछ सूखे मसाले हैं जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, धनिया, जीरा, मस्टर्ड सीड्स एंड आपका हींग और गरम मसाला एंड धनिया पाउडर एंड आल्सो रेड चिली इफ़ यू वांटेड। थोड़ा सा हम घी लेंगे तड़का लगाने के लिए, ओके, और सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। ओके, देखिए घी भी मेरा ये रेडी है, मैं ये सब्जी घी में ही बनाऊंगी। आप चाहो तो ऑयल में भी बना सकते हो, एनी ऑयल, एनी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हो। भुर्जी के लिए तो हमें पनीर तोड़ना पड़ता है, बट मैं आपको इसके क्यूब्स करके इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपने कोई पनीर बनाना है तो आप घर पे भी बना सकते हैं। आप देख रहे हो ना मेरा ये टूट रहा है, बिकॉज़ मैं थोड़ा रफली चॉप कर रही हूँ इसलिए ये टूट रहा है, अदरवाइज़ ये नहीं टूटेगा अगर आप इसे फाइनली चॉप करेंगे तो। क्योंकि मुझे तो अंटिल अनलेस इसको तोड़ना ही है, बिकॉज भुर्जी तो क्रम्बल पनीर की ही बनती है। सो लेट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस रेसिपी फर्स्ट, एंड उसके लिए मैं सबसे पहले इस पनीर को इस तरीके से तोड़ रही हूँ। आप देख सकते हो बाजार वाला पनीर क्या रहता है ना, वो पानी में पड़ा रहता है, मैंने अपना पनीर निकालने के बाद पानी में नहीं रखा, इसलिए थोड़ा सा ये ड्राई हो गया है। ये पैन में मैंने घी डाल दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है, पैन में पूरी तरीके से मैंने घी लगा दिया है, थोड़ा सा घी मैं और इसमें ऐड कर रही हूँ स्टार्टिंग में ही। और अब हम इसमें हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं फर्स्टली वो डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ क्यूमिन सीड्स, जीरा 1 टेबल स्पून, और इसमें फिर मैं 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स भी डाल दूँगी। और अभी इनको हमें क्रैकल करना है, लेट्स वेट फॉर द क्रैकिंग। बट साथ में चलिए कि थोड़ी बातें भी कर लेते हैं ना। अभी मैंने इसमें हींग भी डाल दी है, और अब देखिए मैं इसमें थोड़ी सी ये जो पतली वाली सरसों रहती है ना, मस्टर्ड सीड्स, इसको हम राई बोलते हैं, राई, वो मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा अभी क्रैकल होने लग गया है, मैंने अभी इसमें ग्रीन चिली डाला है। आप चाहो तो इसमें करी पत्ता भी यूज़ कर सकते हो, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो भी आपको इसी टाइम पे डालना है आफ्टर ग्रीन चिली। मतलब लाइक मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैंने ऐड नहीं करा है, अदरवाइज आप डाल सकते हो। नाउ टाइम टू ऐड अनियंस। अब मैं इसमें अनियंस डालूंगी, बहुत से लोग चाहें तो इस जगह वो लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट और जिंजर गार्लिक को चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब अनियंस को हमें ना मतलब बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, जस्ट टू बी अ पिंक, इसे हमें पिंक करना है। अब आप देख सकते हैं ये अनियन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने लगी है, पिंक हो गए, बिकॉज मैंने वीडियो थोड़ा सा पॉज किया था ना, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंदी हो जाती। इस स्टेज पे मैंने इसमें थोड़ा नमक डाल दिया है, लगभग 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, एंड यू हैव टू ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कि आप ज़्यादा नमक खाते हो ज़्यादा ऐड करो, कम खाते हो कम ऐड करो। ठीक है,
और अब हम इसमें हमारे जो ये ग्रीन ग्रीन वेजीज हैं यानी शिमला मिर्च, कैप्सिकम, हम वो इसमें ऐड करेंगे। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, लाइक विंटर्स में मैं इसमें कैरेट्स भी ऐड कर देती हूँ, समटाइम मैं कॉर्नस भी ऐड करती हूँ, और इसी टाइम पे मैंने इसमें टमाटोज भी ऐड करते हैं बिकॉज उसका जूस जो है वो इसको कुक होने में हेल्प करेगा। सो हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं, दैट इज़ 1 टेबल स्पून हल्दी, कि वो अच्छे से इसमें कुक हो जाएगी। तो आप चाहो तो इसमें पानी ऐड कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं। ये टमाटर का जूस था जो बच रहा था, मैंने वो जूस इसमें डाल दिया है क्योंकि चॉप करते टाइम पे वो चॉपर में जूस आ गया था, तो मैंने वो ही जूस इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैं ऐसे ढक के रख रही हूँ ताकि मेरी वेजिटेबल्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है। बीच में मैंने एक बार चलाया है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है वेजीज़ का। सो हाँ, मैं बता रही थी आप कौन कौन से वेजिटेबल्स में यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें उबला हुआ मटर भी डाल सकते हो अगर वो आ रहा है, या फिर आप पैकेट वाला जो सफ़ल वगैरह का मटर रहता है वो तो वैसे भी मतलब लाइक हाफ कुक रहता है, तो वो आप ऐड कर सकते हो। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, और 1/2 टेबल स्पून नहीं, 1/4 चम्मच ही मैंने इसमें मिर्च डाला है। थोड़ा सा हल्दी मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ी सी हल्दी और डाल दी है, ठीक है जी। अब ये इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे, लाइक ये जूसी सा तो लग ही रहा है अभी भी, तो थोड़ा सा और कुक हो जाए, देन वी हैव टू ऐड अ पनीर। लीजिए पनीर भी ऐड हो गया है, अभी देखना जैसे जैसे पनीर पे कलर चढ़ेगा ना इतना क्यूट लगने लगेगा मेरा खाना भी। और दूसरी चीज़ ना कि ये बहुत ही हेल्दी है, अगर आप किसी भी प्रकार की डाइट फॉलो कर रहे हो ना तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग में मैंने देसी घी ऐड किया था वो देसी घी आप उतना ऐड ना करें, बस कुछ ड्रॉप्स डालें ताकि आपके सीड्स क्रैकल हो जाएं। धनिया ऐड कर दिया है अब इसमें, जिससे क्या है कि फ्लेवर तो आएगा ही आएगा ऑब्वियसली, साथ में खुशबू भी आएगी और कलरफुल। मैंने अभी फ्लेम अपनी ऑफ कर दी, आपने देखा ही था, और मैंने लास्ट में गरम मसाला ऐड किया है, दैट इज़ द मस्त। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको अभी बस बता ही सकती हूँ। वो खुशबू फील करने के लिए आपको रेसिपी ट्राई करनी पड़ेगी। ये सर्विंग बाउल है मेरी, इसमें मैंने ये सर्व करने के लिए निकाल लिया है। आप चाहो तो इसे चपाती के साथ खाओ, चाहो तो आप इसकी काठी रोल बनाओ, पनीर रोल बनाओ, इनफैक्ट आप इसको ना सैंडविचेस में भी फिलिंग कर सकते हो। इवन आप अगर ट्रैवल कर रहे हो और तो आप उसको इस तरीके से फिल करोगे ना, दैन इट्स अमेजिंग। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं धनिया ऊपर से इसमें रख दिया है, एंड दिस डिश इज़ रेडी। सो यू कैन इन्जॉय इट विद द रोटी, चपाती, सैंडविचेस और रोल्स, एनी थिंग। इवन आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, ऐसे भी, इट्स टू यम। सो ट्राई ज़रूर करें एंड बताएं।